हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? आई होप सब ठीक होंगे, घर में होंगे, सेफ होंगे। मैं आकांक्षा, मैं आपके अपने चैनल माँ बेटी ब्लॉग में आपका वेलकम करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊँगी आपको कि आपको बच्चों को कौन कौन से ड्राई फ्रूट, किस मौसम में बच्चे को कितनी क्वांटिटी में ड्राई फ्रूट्स देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो के लिए एक लाइक कर दीजिएगा, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आज आपको बताती हूँ कि बच्चों को ड्राई फ्रूट्स कौन कौन से खिलाने चाहिए, कब से खिलाने चाहिए, किस मंथ से बेबी को ड्राई फ्रूट्स देने चाहिए। जब बेबी 0 से 6 मंथ का होता है तो 6 मंथ तक उसे किसी भी प्रकार के ड्राई फ्रूट देने की ज़रूरत नहीं है। उसे सारे पौष्टिक तत्व माँ के दूध से ही मिल जाते हैं। तो माँ को ही चाहिए कि वो हेल्दी फूड अपनी डाइट में इंक्लूड करे। माँ को हरी सब्जियाँ, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए, जिससे बच्चे को मिल्क के द्वारा पौष्टिक तत्व मिल सके। उसके बाद आप 7-8 महीने के बच्चे को ड्राई फ्रूट्स दे सकते हैं। 7-8 महीने का जैसे ही बच्चा होता है तो उसे ड्राई फ्रूट देना ज़रूरी होता है। ड्राई फ्रूट्स में कई प्रकार के पौष्टिक तत्व होते हैं, विटामिन्स होते हैं, इसलिए ड्राई फ्रूट देना बच्चों के लिए ज़रूरी होता है। 7-8 महीने के बच्चे के दांत नहीं आ पाते हैं, उन्हें ड्राई फ्रूट ऐसे ही नहीं दे सकते, क्योंकि वो चबा नहीं पाएंगे, ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। तो आप उन्हें कैसे खिलाएं ड्राई फ्रूट्स? सबसे पहले बेबी को आपको बादाम देना चाहिए। बादाम बेबी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ये बेबी की ग्रोथ को बढ़ाता है। ग्रोथ तो बढ़ाता ही है, इसके साथ माइंड को भी शार्प करता है, माइंड को भी तेज बनाता है, इसलिए बेबी को बादाम देना चाहिए। बादाम को आप रात में भिगाकर रख दीजिए, सुबह उसका पानी निकाल कर बादाम को छीलकर घिसकर आप बेबी को बादाम खिला सकते हैं। घिसने के बाद उसको आप दूध में मिलाकर या शहद में मिलाकर बेबी को खिलाइए, जिससे वो बेबी अच्छे से खा पाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो आप बेबी को बादाम ऐसे खिला सकते हैं। आपने सुना होगा कि बादाम का तेल की बच्चे को मालिश भी की जाती है, तो इस बादाम से बेबी की बॉडी भी शाइन करती है, इसलिए बादाम बच्चों को देना बहुत ज़रूरी होता है। सेकंड नंबर पर आप बच्चों को किशमिश खिलाइए। किशमिश भी बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होती है, ब्लड सर्कुलेशन को बनाए रखती है। किशमिश खाने से बच्चे को भूख भी अच्छे से लगती है। किशमिश को आप ऐसे ही नहीं खिला सकते, 1-1.5 साल का बच्चा तो किशमिश खा लेगा, पर 7-8 महीने के बच्चे को आप किशमिश को दूध में बॉयल कर लीजिए, खीर में बॉयल कर लीजिए, हलवे में डाल लीजिए, फिर आप उसे निकाल भी सकते हैं। उसका रस तो दूध या खीर में आ ही जाएगा, तो बच्चा अच्छे से खा लेगा और बच्चे को पौष्टिक तत्व भी मिल जाएंगे। थर्ड नंबर पर आप बच्चे को काजू खिलाइए। काजू बच्चा ऐसे ही नहीं खा सकता, आप उसे पाउडर फॉर्म में दीजिए। काजू का पाउडर बनाकर रख लीजिए, फिर आप उसे चाहे खीर में, दूध में, शेक में, हलवे में, खिचड़ी में, किसी भी जो आप बच्चे को फूड दे रहे हैं उसमें आप मिला के बच्चे को खिला सकते हैं। फोर्थ नंबर पर आप बच्चे को पिस्ता खिलाइए। पिस्ता भी बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होता है, पिस्ते से बच्चे की इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होती है, इसलिए पिस्ता बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होता है। पिस्ते का पाउडर बनाकर रख लीजिए आप, फिर उसे चाहे किसी भी फूड में, दूध में, खीर में, जिसमें भी आप चाहे मिलाकर खिला सकते हैं। फिफ्थ नंबर पर आप बच्चे को अखरोट दीजिए। अखरोट तो बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ये बच्चे के माइंड को शार्प करता है, माइंड को तेज बनाता है, इसलिए आप बच्चे को अखरोट ज़रूर खिलाइए। अखरोट का पाउडर बनाकर रख लीजिए, फिर उसे आप चाहे किसी भी फूड में मिलाकर बच्चे को खिलाइए। फ्रेंड्स, ड्राई फ्रूट देना बच्चे को बहुत ज़रूरी होता है, और ड्राई फ्रूट्स तो आप लोगों को भी खाना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स तो सभी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, इसलिए ड्राई फ्रूट्स बच्चे को आप ऐसे पाउडर फॉर्म में बनाकर रख लीजिए और आप किसी भी फूड में मिलाकर बच्चे को खिलाइए, जिससे बच्चे का फूड भी टेस्टी हो जाएगा और उसके अंदर पौष्टिक तत्व भी पहुँच जाएंगे। और आप सर्दियों में ड्राई फ्रूट्स बच्चे को ज़रूर खिलाइए। ड्राई फ्रूट्स सर्दियों में देना बहुत अच्छा होता है, और आप भी सर्दियों में ड्राई फ्रूट ज़रूर खाइए ये बच्चे। और आप गर्मियों में बच्चे को ड्राई फ्रूट जितना सर्दियों में दे रहे हैं उससे आधा दीजिए। जैसे आप 1 बादाम बच्चे को सर्दियों में दे रहे हैं, तो आप उसका आधा ही गर्मियों में दीजिए, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स बहुत गर्म होते हैं, इसलिए आप गर्मियों में उसका आधा ही दीजिए। 7-8 महीने के बच्चे को तो आधा बादाम ही बहुत होता है,
तो आप फ्रेंड्स क्वांटिटी के हिसाब से ही बच्चे को खिलाइए। पहले आप उसे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में दीजिए, जैसे ही बच्चा बढ़ता जाता है तो आप उसके हिसाब से उसका ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड, बाय बाय।